16 में तात्पर्य नहीं है, श्लोक संख्या 17 में तात्पर्य है। तो पहले हम लोग श्लोक संख्या 15 पढ़ेंगे। यस्मिन् प्रविष्टे असुर वधूनां प्रायः पुंसा वनानि भवात् एव स्रवन्ति पतन्ति च। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। श्लोक संख्या 16। अथा तले मय पुत्रो सुरो बलो निवसति येना वाहिहा सृष्टः क्षणवतीर्मायः काशनाद्यापि माया विनो धारयन्ति यस्य च जृम्बावाणस्य मुखत स्त्रियः स्त्रीगणा उद्बध्यन्ते स्वेरणी काम्ये पुष्चलै पुंशलै इति या वै बिलायनम प्रविष्टम पुरुषम रसेन हाटकाखेन साधित्वा स्वविलासावलोक नानु रागास्मिता समलोप समलापोप गुहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहं इति युता महाजबला जबलम आत्मानम अभिमन्यमानः कथयते मदांत इव। श्लोक संख्या 16 का अनुवाद। हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में माय दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथागत योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर ने उवासी लेने से स्वर्णी कामनी तथा पुरुष पुंशली के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। स्वर्णिया अपनी ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं, कामनिया किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पुंशलियां अपने पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हाटक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती हैं। इस भय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वह स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन प्रेमालाप मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती हैं। इस प्रकार वह उन्हें अपने साथ संभोग के लिए फुसलाकर जी भर कर काम तृप्ति करते हैं। काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम ना मानने लगता है, सक्षम मानने लगता है, ना मानने लगता है। दरअसल मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। अब आज का श्लोक है, केवल सुनिएगा। ततो अधस्ताद वितलते हरः भगवान हाटकेश्वरः स्वपार्षद भूतगणावृत प्रजापति सर्ग ओम प्रणाय भवभावानाय सह मिथुनीभूतः आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित प्रवरा हाटकी नाम वीरेण यत्र चित्रभानु मातृश्वन समिध्यमानः ओजसा पिबति तत् निश्चूतम हाटगाख्यम सुवर्णम भूषणेन असुरेन्द्र अवरोधेषु पुरुषः सह पुरुषी भी धारयन्ति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अतल लोक के नीचे अगला ग्रह वितल है, जहाँ स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों भूतों तथा ऐसी अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव, माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और इनके वीर रज के मिश्रण से हाटकी नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस श्लोक के वासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वह अत्यंत सुख पूर्वक रहते हैं। तात्पर्य सुनिए श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ऐसा प्रतीत होता है कि भव तथा भवानी अर्थात शिवजी तथा उनकी पत्नी के संभोग करने पर जो वीर्य निकलता है उसमें जो रसायन होता है उसे अग्नि में तपने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि मध्य युग के कीमियागर निम्न धातु से सोना बनाया
बनाना जानते थे। और श्री सनातन गोस्वामी का भी कथन है कि कांसे को पारे से अभिकृत करने पर सोना बन सकता है। श्री सनातन गोस्वामी का यह उल्लेख निम्न वर्ग के पुरुषों को ब्राह्मण बनाने के प्रसंग में हुआ है। उनका कथन है, यथा कांचनताम याति कांस्यम रसम विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते न। जिस प्रकार कांसे को पारे से अभिकृत करके उसे सोने में बदला जा सकता है, उसी प्रकार निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य को वैश्य कार्यों में लगाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा मलेच्छों तथा यवनों को उचित ढंग से दीक्षा देकर तथा उन्हें मांसाहार मादक द्रव्य व्यभिचार तथा दुष्ट क्रीड़ा से विरत करके ब्राह्मणों में परिणत करके करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोई उन चार पाप कर्मों का परित्याग करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वह प्रामाणिक दीक्षा द्वारा शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है, ऐसा श्रील सनातन गोस्वामी का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यदि कोई श्लोक से संकेत पाकर ये सीख ले कि कांसे के साथ पारे को कैसे मिलाते तथा गलाते हैं तो वह सस्ते में सोना तैयार कर सकता है। यद्यपि मध्ययुग के कीमी यागरों ने स्वर्ण बनाने का प्रयास किया किंतु वह सफल रहे क्योंकि शायद उन्होंने सही निर्देशों का पालन नहीं किया। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलिता येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम साबितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्य ददाति स्वपदांतिकम् वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 14 लोगों का ये पूरा ब्रह्मांड है और जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है उसमें से सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स, जहां हम लोग रह रहे हैं उसको पृथ्वी लोक कहते हैं या भूलोक। भूलोक से ऊपर है भुवर लोक, भुवर लोक से ऊपर है स्वर्ग लोक, उसके ऊपर है फिर महर लोक, उसके बाद जन लोक, उसके बाद तपोलोक, उसके बाद ब्रह्मा जी का सबसे ऊंचा लोक सत्य लोक। उसी तरह से नीचे के भी और 7 लोग हैं, पृथ्वी से नीचे 7 लोग हैं जिसका वर्णन अभी किया जा रहा है। अटल है, अटल का वर्णन हो चुका है। विटल, अटल विटल, अटल विटल सुतल, उसके बाद फिर तलातल, फिर महातल, फिर रसातल, फिर पाताल। तो ये 14 लोग हैं से बना हुआ ये ब्रह्मांड है, प्लैनेटरी सिस्टम है। और नीचे के जो लोग हैं उसको बील स्वर्ग भी कहते हैं या सबटेनेरियन हेवनली प्लैनेट्स, तो वो भी स्वर्ग लोक है। लेकिन जो भुवर लोक से ऊपर जो स्वर्ग लोक है उससे अधिक ऐश्वर्य पाया जाता है बील स्वर्ग में, नीचे के लोगों में। यहां से 70,000 योजन दूर है पृथ्वी से, नीचे के जो लोग हैं कितना दूर है यहां से 70,000 योजन का मतलब 1 योजन हो गया 8 मील और 5,60,000 मील दूर है, ठीक है ना। 5,60,000 मील दूर है यहां से पृथ्वी से, अगर जाना है आपको वहां जा नहीं पाएंगे आप वहां। तो वहां पे ऐश्वर्य बहुत है और इंद्र तृतीय के साधन बहुत हैं, जैसे कि यहां पे श्लोकों में वर्णन है, पिछले श्लोकों में बताया गया है। और ऐसी इंद्र तृतीय की वहां पर सुविधा है कि सामान्य व्यक्ति तो वहां जाना चाहेगा। भक्त जो है सोचते हैं, कम से कम जो भक्त अभी भी सकाम अवस्था में है उनके अंदर भी कई बार इस प्रकार की भावनाएं आ जाती हैं, ये सुनकर आकर्षण जागृत हो जाता है। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वास्तव में बील का स्वर्ग हो या वो स्वर्ग हो, है तो इस भौतिक संसार में ही, कारागार में है, जेल में आपको सोने का चेन बनाया जाए या फिर चांदी का चेन बनाया जाए
या फिर लोहे का चेन बनाया जाए, है तो चेन ना, है तो आप जेल के अंदर ही, और इतनी सुख सुविधा होने के बावजूद भी मृत्यु निश्चित है। यहां वजह बताया जा रहा है कि यहां रोग नहीं होता किसी को, वृद्धावस्था नहीं आती है, और काल का प्रभाव नहीं के बराबर है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां नहीं जाता। नीचे के लोगों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, तो नाग की जो मणियां होती हैं उसी से प्रकाश फैलता है और बहुत प्रकाश होता है उससे। तो यहां पर इंद्र तृप्ति की बहुत सारे साधन है, जैसे यहां पर वर्णन किया गया पिछले श्लोक में भी। इसलिए वहां पर भगवान का स्मरण करना बड़ा कठिन है। ऐश्वर्य जब बहुत अधिक होता है तो बहुत मुश्किल होता है मन को भगवान के चरणों में लगाना। इसलिए तो कुंती महारानी कह रही हैं, नमो अकिंचन वृताय निवृत्त गुण वृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। आत्माराम कौन हो सकता है जो अकिंचन है। अकिंचन यानी कि जिसका कोई पोसेशन नहीं है, कुछ नहीं है जिसके पास। किंचन यानी कि कुछ होना, उसको किंचन कहते हैं, और अकिंचन का मतलब कुछ नहीं होना। मेरे पास कुछ नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त, है लेकिन कृष्ण ही है केवल। तो यह अकिंचन भाव जब तक जागृत नहीं हो जाता है तब तक संसार के प्रति कोई ना कोई आकर्षण बना रहता है, और तब तक अपना मन, अपनी बुद्धि, अपनी वाणी, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूर्ण रूपेण लगाए रखना जो है बड़ा कठिन हो जाता है। यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा, श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, और जिसका मन, जिसका उसकी वाणी, जिसकी इंद्रियां, जिसका शरीर भगवान की सेवा में लग चुकी है, भौतिक संसार में रहते हुए भी क्या है, जीवन मुक्त उच्यते, वो इस संसार में रहते हुए भी जो है वो मुक्त अवस्था में है, वो लिबरेटेड है। कृष्ण की सेवा करते रहेंगे तो आप आध्यात्मिक स्तर पर है, और जैसे ही जहां पर इंद्र तृप्ति की भावना आ जाएगी तो आप भौतिक धरातल पर वापस आ जाते हैं। तो इंद्र तृप्ति की भावना को त्यागना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बहुत सुंदर घटना एक बताना चाहेंगे आपको, पहले भी सुना होगा आपने बहुत बार, एक बार और सुन लीजिए। अच्छा है सुना। तो एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में बृहस्पति ने शाप दे दिया इंद्र को, क्योंकि ऐश्वर्य के कारण क्या होता है, वहां पर कई बार ऐश्वर्य में इतने मग्न हो जाते हैं देवी देवतागण कि ऋषि मुनियों को सम्मान देना भूल जाते हैं। जैसे नलकुंवर मणिगरीब मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे नग्न अप्सराओं के साथ, नारद जी आए तब भी उनका ध्यान वहां नहीं गया, नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, मदहोश थे सोमरस का पान करके खूब, और इस कारण से क्या उनका ध्यान गया नहीं नारद जी के। नारद जी ने देखा रही है तो बिल्कुल निर्लज होकर जो है नग्न स्नान कर रहे हैं, कुबेर के पुत्र होकर, थोड़ी सी भी इनको शर्म नहीं है। तो नारद जी ने क्या किया, उनको श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष बन जाओ नंद महाराज के घर में। तो ये कृपा हो गई नारद जी, 36,000 साल नलकुंवर और मणिगरीब को 36,100 दिव्य वर्षों के लिए नंद महाराज के घर में वृक्षों के रूप में रहना पड़ा, और उस वृक्ष के शरीर में पश्चाताप करते रहे कि हमने कितनी बड़ी गलती की, कुबेर के पुत्र होकर हमने इस प्रकार की हरकत की हमने। तो ऐसे में ऐसे ही हुआ फिर कि इंद्र को भी शाप दिया बृहस्पति ने, और बृहस्पति के शाप के कारण इंद्र को सुअर की योनि में जाना पड़ा। सुअर की योनि में गए तो परिवार था उनका फिर अपना, और आपने देखा सुअर तो कितने सारे बच्चे पैदा करता है, बहुत सारे पिगलेट्स होते हैं, छोटे छोटे सुअर बहुत सारे देखा नहीं आपने, और सुअर भी जो है हंसिएगा नहीं, इंद्र जब सुअर बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। स्वर्गलोक के राजा है, स्वर्गलोक राजा कौन बनता है, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो। एक एक अश्वमेध यज्ञ में कितना खर्चा आता है, कितना मतलब कितनी सारी बाधाएं आती हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेगा उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है, और वो इंद्र जो है बृहस्पति के शाप से क्या बन गए, सुअर बन गए। सुअर थे, सुअर बन गए, सुअरनी भी थी और बच्चे भी थे,
अब देखे शाप क्योंकि लग चुका था तो उनको उस तरह का जीवन बिताना था, मल में पड़े रहे कई वर्षों तक। ब्रह्मा जी ने देखा अब समय आ गया है, शाप का समय पूरा हुआ, चलो वापस बुला लेता हूं क्योंकि ऐसे में तो वापस आने वाला नहीं है ये इंद्र। अब तो इसने पहचान जो है सुअर के शरीर से कर ली है। तो आए ब्रह्मा जी, उन्हें कहा वापस चलो। तो सुअर ने देखा तक नहीं, यानी इंद्र ने तो देखा भी नहीं, वो तो अपने परिवार के साथ व्यस्त था इंद्र तृप्ति में। तो ब्रह्मा जी ने क्या जबरदस्ती की और उस सुअर के बच्चों को उठाया, पिगलेट्स को उठाया और एक सरोवर में डाल दिया, एक झील में, एक लेक में डाल दिया। और लेक में डाला तो उसको देव स्वरूप प्राप्त हो गया, स्वर्लोक का स्वरूप प्राप्त हो गया, शरीर प्राप्त हो गया और स्वर्लोक चले गए। और ऐसे में जो है वो बहुत कुपित हो गया वो सुअर, इंद्र यानी कि सुअर के शरीर में जो था बहुत क्रोधित हुआ। अरे ये कौन है व्यक्ति? ब्रह्मा जी कह रहे चलो चलो। ब्रह्मा जी बोलती तुम कौन हो भाई, मैं दाढ़ी रखी हुई तुमने और चार चार सने मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, और तुमने मेरे बच्चे को उसमें डाल दिया, बच्चे को मार दिया। ब्रह्मा जी के पीछे भागा वो ब्रह्मा जी को पकड़ने के लिए, ब्रह्मा जी को पकड़ नहीं पाया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये मानेगा नहीं, तो ब्रह्मा जी ने क्या उस सुअर की जो पत्नी थी सुअरनी को भी उठाकर उसी सरोवर में डाल दिया और वो भी देव स्वरूप प्राप्त करके वो भी स्वर्लोक चली। अब ये सुअर जो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, उसने सोचा देखो मेरे बच्चे भी चले गए, मेरी पत्नी भी चलेगी, अब मैं यहां जीकर क्या करूंगा, इस सुअर के शरीर में रहकर क्या फायदा, अगर मैं अपने बच्चों को पत्नियों को नहीं बचा पाया तो अच्छा है मैं भी छलांग मार देता हूं इसी में। तो सुअर ने भी छलांग मार दिया किसमें, सरोवर में। और इस तरह से देव स्वरूप प्राप्त हुआ, वापस चले गए स्वर्लोक में इंद्र का पद संभालने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप कैसा लग रहा है, आप वापस जाना चाहते हैं उस सुअर के शरीर में, आपको मैं व्यवस्था कर दूंगा आपके लिए। बोले नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे वहां नहीं जाना, उसके बारे में आप बताइएगा अभी बस, मैं वो शरीर देखना भी नहीं चाहता हूं, उस सुअर को देखना भी नहीं चाहता मैं। तो इस तरह से क्या है, क्योंकि हम लोग यही सोचते हैं कि हम संसार को त्यागेंगे, परिवार को त्यागेंगे, कृष्ण की सेवा में जाने के लिए समर्पित होंगे तो बहुत बुरा होगा हमारे साथ, हम लोग यही सोच रहे हैं। भगवान के पास जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हमें भूल जाते हैं कि हमारा जो शाश्वत संबंध है, जिस तरह से ब्रह्मा जी आए थे लेने के लिए इंद्र को, उसी तरह से हमारे गुरुदेव आते हैं, वैष्णव आते हैं हमें ले जाने के लिए वापस भगवान के धाम में। वहां है आपका असली संबंध, वहां है आपका असली परिवार, चलिए वापस। हम जाने नहीं चाहते, उसी सुअर की तरह इस संसार में फंसे हुए इंद्र तृप्ति में लगे रहना चाहते हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया अपृत चेतसा, क्या है व्यवस्थी आत्मिका बुद्धि समाधों ने भी दिया थे। तो व्यवस्थी आत्मिका बुद्धि नहीं हो पाते हैं, क्यों? भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण। भोग और ऐश्वर्य में जब तक आसक्ति बनी रहेगी हम व्यवस्थी आत्मिका बुद्धि हो नहीं पाएंगे। इंद्र तृप्ति की जब तक भावना बनी रहेगी हमारा मन भगवान की सेवा में लगेगा नहीं। जब तक आप ये नहीं मान लेंगे कि संसार ये दुखाले है, यहां कभी सुख मिल नहीं सकता आपको, प्रयास भले कितना कर लो लेकिन सुख मिलेगा नहीं, जितनी इंद्र तृप्ति में लगोगे उतना कष्ट पाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी बार मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे बीच के पास, बीच में और समुद्र के किनारे वॉक में जा रहे थे, तो एक फिशरमैन था और मछुआरा, वो मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो प्रभुपाद ने उसको देखकर बोला एंजॉय, तो बड़ा खुश हुआ वो। फिर प्रभुपाद शिष्यों के साथ जब आगे निकले तब प्रभुपाद ने कहा एंड देन सफर, पहले आप एंजॉय करो फिर क्या होगा, सफर करना पड़ेगा। इस संसार में जब तक आप एंजॉय करने की भावना बनाए रखोगे तब तक आपका सफरिंग जो है वो निश्चित है, गारंटीड है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ये लोग सर्फिंग नहीं कर रहे हैं समुद्र में, दे आर सफरिंग। सर्फिंग जानते हैं ना, सर्फिंग एक बोट की तरह होता है लेकिन उसमें खड़ा होना पड़ता है, इतनी जगह नहीं होती कि बैठ सकते हैं उसमें, और उसके ऊपर खड़ा होकर आपको फ्लोट करना होता है समुद्र में। वो एक खेल है, एक एंजॉयमेंट है। तो प्रभुपाद ने कहा ही इज नॉट सर्फिंग, ही इज एक्चुअली सफरिंग। इसी तरह प्रभुपाद एक बार जब मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, एक गोल्फ कोर्स आया, गोल्फ क्लब, और वहां सुबह सुबह लगभग 6 बजे बहुत लंबी कतार लगी हुई थी गाड़ियों की। प्रभुपाद ने पूछा कि क्या है ये इतनी लंबी लंबी गाड़ियां, लंबी लाइन क्यों लगी है गाड़ियों की, यहां सुबह सुबह 6 बजे क्या हो रहा है यहां? प्रभुपाद ने कहा, प्रभुपाद से कहा शिष्य ने, प्रभुपाद दिस इज गोल्फ कोर्स, गोल्फ
क्लब है यहाँ पर, और यहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग जो हैं, और ये जो खेल है इट्स फॉर द एलीट क्लास ऑफ पीपल, और बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए। प्रभुपाद ने कहा गोल्फ में करते क्या है? प्रभुपाद ने कहा कि दे ट्राई टू थ्रो द बॉल इनसाइड द पिट इनसाइड द डिच। तो प्रभुपाद ने, प्रभुपाद की आंखों में से आंसू आ गए। प्रभुपाद ने कहा देखो मनुष्य जीवन जो है इसके लिए मिला है कि आप सुबह सुबह उठकर जो है जा रहे हैं गोल्फ क्लब में जाकर एक गेंद को छेद में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज हाउ यू आर वेस्टिंग योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। मनुष्य जीवन कैसे आप बर्बाद कर रहे हैं आपने, आप देखो आप। दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थतम अध्रुवम। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। और जहां तक विषय की बात है, विषयी जीवन की बात है, इंद्रदित्त की बात है, वो तो सब जगह उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है। कीड़े की योनि में भी उपलब्ध है, पशु पक्षियों की योनि में उपलब्ध है। और यहां पर देखिए विटल लोक, विटल लोक में कितनी इंद्रदित्त की सुविधा है वहां पर, और वहां तो सोना बन जाता है, महादेव के वीर्य से सोना बन जाता है। और सोना अगर बन भी जाएगा तो करेंगे क्या? सोने के बाद सोना ही है फिर। तो इसलिए आप ब्रह्मा जी के लोक से देकर पाताल लोक तक जाए, हर जगह आपको कहीं ना कहीं इंद्रतृप्ति की भावना तो बनी रहती है। कहते हैं यहां पर वृद्धावस्था नहीं आती, यहां बीमारियां नहीं लगती, रोग नहीं लगता है, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से मृत्यु निश्चित है, मृत्यु से नहीं बच सकते आप। जन्म होगा तो मृत्यु निश्चित रूप से होगी। अब भागवत में भी देखते हैं, भागवत के नौवें स्कंध में ययाति महाराज का प्रसंग आता है, जहां पर ययाति महाराज को जब शुक्राचार्य शाप दे देते हैं वृद्ध होने के लिए, तो युवा अवस्था में दोबारा आने के लिए अपने पुत्रों से युवा अवस्था की आई युवक बनने की भीख मांगते हैं ययाति महाराज। एक एक करके सारे पुत्र मना कर देते हैं, केवल उनके जो पुत्र महाराज पुरु वो जो है तैयार हो जाते हैं। 1000 वर्ष इंद्रतृप्ति करने के बावजूद भी ययाति महाराज जो है संतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट नहीं होते। तो इंद्रतृप्ति की एक सीमा है, और इंद्रतृप्ति जो जितना करेगा उतना ही उसको कष्ट पाना पड़ेगा, यह प्रकृति का नियम है। जहां भी आप जब भी इंद्रतृप्ति कर रहे हैं, ये बात सोच लीजिए कि इंद्रतृप्ति कर रहे हो तो ठीक है, पक्का निश्चित रूप से कष्ट आने वाला, तैयार रहो। और जो वास्तव में तपस्या का जीवन बिताता है निश्चित है कि आज वो कष्ट पा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से आगे चलकर उसको आनंद की अनुभूति होगी। नायम देहो देह बाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हतम विड़ बुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धे अस्मात ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। इसलिए भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान ऋषभ देव ने अपुत्रों से कहा, 100 पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुआ है उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम में श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर सुकर भी कर लेते हैं। अभी सुकर की कथा सुनी थी ना आपने कि इंद्र कैसे जो है सूर बने, तो वहां भी उपलब्ध है। ये तो मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए, पद प्राप्त करने के लिए अपने को तपस्या में लगाए, तपस्या। इसे भगवान गीता में कह रहे हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः समितेन्द्रियः। अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है, इस ज्ञान को उपलब्धि करनी है अगर आप, तो क्या करना पड़ेगा? इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और इंद्रियों के ऊपर संयम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अंजाम अच्छा नहीं है, परिणाम अच्छा नहीं है। इसलिए इतना संसार में इतना कुछ धन कमाने के बाद भी, इतनी उपाधियां कमाने के बाद भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी क्या होता है? अंततः हताश होना पड़ता है। अपने ही संतान, अपने ही पुत्र सब कुछ छीन लेते हैं आपका, जिनके लिए आपने घोर परिश्रम किया, जिनके लिए आपने घोर कष्ट उठाया, वो ही आपको छोड़ के चले जाते हैं या आपको ही निकाल देते हैं। क्यों? कारण क्या है इसका? कारण क्या है कि आज युवा पीढ़ी अपने माता पिता को तो भी निकाल लेते हैं घर से? उसका कारण है इंद्र तृप्ति, और कोई कारण नहीं है। इंद्र तृप्ति के कारण ही जो है झूठे संबंध लंबे समय तक नहीं चलते हैं।
इस संसार में आप जिससे भी संबंध स्थापित करोगे, जिससे भी आप आशा करोगे, वही आपके लिए निराशा का कारण बनेगा, गारंटी नहीं। वो आज नहीं तो कल जाके आपको धोखा देने वाला है। इसलिए इस संसार में जितने भी संबंध है वो कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। इस बात पे पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। इसे भगवान कह रहे सर्व धर्मान पर तजमाम एकम शरणम व्रज अहंताम सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचः। तो इसलिए भागवत में बहुत सुंदर बातें बताई गई। इसी भागवत में भगवान ऋषभदेव एक और जगह कह रहे हैं, पांचवें अध्याय की, पांचवें स्कंद की पांचवें अध्याय में, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यत इंद्र प्रीति आपनोति न साधु मन्ने यतो यात्मनो यम असन अपि क्लेशद आस देहा। बहुत सुंदर बात बताई भगवान ऋषभदेव ने। इन श्लोकों को हमें याद करने का प्रयास करना चाहिए। जब मनुष्य इंद्र तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण ही उसे क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है। दुखों की खान है यह शरीर। पाप कर्मों के कारण ही आपको यह भौतिक शरीर मिला। जिसके पास भी भौतिक शरीर है समझ लीजिए वो पाप के कारण है। हम ये नहीं सोचना, हमें कभी नहीं सोचना कि मैं बहुत शुद्ध हूं, मैंने बचपन से चार नियमों का पालन किया है। अगर आपके पास भौतिक शरीर है तो आपने कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पाप किया है, नहीं तो भौतिक शरीर क्यों मिला आपको? अगर आप इतने शुद्ध हैं तो इस भौतिक शरीर में क्यों रह रहे हैं फिर आप? अगर आप जेल में बंद हो तो इसका मतलब आपने क्राइम किया है। भले आप जेल के अंदर लगे कि बड़ा अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे इंसान है, तो कितना अच्छा व्यवहार करते हैं यार, है कि नहीं? और वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण उसे क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है। दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलना चाहिए था कि इंद्र तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। मैं मानता हूं कि बुद्धिमान प्राणी के लिए शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्र तृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद एक दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। बार बार भौतिक शरीर प्राप्त होता रहता है और इसी को दुख कहते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और इतना कुछ अनुभव करने के बाद भी, इतने कष्टों को सहन करने के बावजूद भी इंसान जो है जब बद्ध अवस्था में होता तो वापस वहीं पे जाता है इंद्र तृप्ति करने के लिए। दो वर्षों तक अलग अलग लोगों ने, या संसार के सभी लोगों ने, पृथ्वी में जितने लोग हैं सबने जो है बहुत कष्ट पाया। कोरोना काल में बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हटा, जैसे ही आप देखिए कोरोना जो है सुषुप्त अवस्था में जा रहा है, लुप्त हो रहा है, लोग वैसे हो जाएंगे, दोबारा भूल जाएंगे कि हमने दो साल कष्ट पाया था। इसी को कहते हैं